गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हूँ मैं कंचनपुर की काली माता के मंदिर में। इसी वजह से देखो सुबह सुबह मंदिर में कितना भीड़ लग गया। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं उस जंगल के रास्ते से आ रहा था और पूरा रात हो गया था, लेकिन रात होते होते मेरे को एक एल्टो में लिफ्ट मिल गया था, उन्होंने मेरे को कंचनपुर में छोड़ दिया और फिर यहाँ पे आके मैंने काली माता के मंदिर में टेंट लगा लिया था। तो अभी समझते हैं टेंट को और हम भी निकलते हैं यहाँ से। पहले जाना पड़ेगा अपने को अपना जो पार्टनर है सुदीप, इसके मामा का दुकान है, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। मिठाई का दुकान है भाई साहब, तगड़ा मजा आएगा। नहीं है, देख लिया भाई का चप्पल ले गया कोई सुबह सुबह यही चलता है भाई इंडिया में मंदिरों में। तो क्या लगता है कहाँ गया? उसमें गया, उस पर एक जाली लगा दीजिए आप। एक काम करो, चप्पल बच जाएगा लोगों का ना। इंडिया के लोग देखो कितने वेले हैं, हमारी चप्पल ढूंढवाने के लिए, वेले नहीं बोलना चाहिए, अच्छे बोलना चाहिए मेरे को, चप्पल ढूंढवाने के लिए कितना पब्लिक इकट्ठा हो गया। मिशन चप्पल खोजो। चलो कोई ना, नंगे पैर चलते हैं। मार्केट में लोग देखो क्या क्या बेच रहे हैं। ये बंबू, बंबू हाँ, बोलचाई बांस होता ना दादा, इसका सब्जी बनता। सब्जी अच्छा सब्जी है। और ये वाला क्या है? कटहल बिछे, कटहल बिछे। इसका क्या बनता है? सब्जी, सब्जी बनता है। थैंक यू। ये सभी ट्राइबल हैं। आप कौन सा रेहांगो? अभी मार्केट में ये बेचने आए हो? गांव से आए हो या यहीं पे रहते हो? बस्ती, बस्ती कौन सा बस्ती? मित्राजय। मित्राजय अच्छा है, इनका फैशन देखिए आप। हाँ ओरिजिनल ट्राइबल फैशन है ना। ट्राइबल ना। हाँ अच्छा है। और यार मैंने त्रिपुरा में जितने भी शहर देखे ना, आपका ये जो कंचनपुर है ये सबसे शांत शहर है, ना ज़्यादा शोरगुल ना भीड़ भाड़, और लोग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपसे आके पूछते हैं कौन हो कहाँ से हो, वरना बाकी त्रिपुरा में तो बाकी सभी आपको ऐसे सस्पिशियसली शक की निगाहों से देखते हैं। और यहाँ का मार्केट भी बिल्कुल मालगुडी डेज के जैसा ही लग रहा है मेरे को। मैं बार बार मालगुडी डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी दुकानें बनी ना ये लकड़ी से बनी हुई दिखेंगे आपको। कैसे दादा, क्या बना चौन? नमस्कार दादा, हम काली मंदिर से। हाँ हाँ, क्या आ गया अपना दुकान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तो मस्त अपना ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं अब जम्पोई के लिए, और जम्पोई यहाँ से बसता है लगभग 30 किलोमीटर। पर यार सूरज को देख के लगता नहीं कि बारिश आया होगा यहाँ पे कभी भी, लेकिन बारिश रात को ही थमा है, सामने भी काले बादल हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकता है। आप जम्पोई जाओगे? जम्पोई, जम्पोई कहाँ तक जाओगे? जम्पोई तक ही। जम्पोई तक जो जम्पोई हिल वाला जो है ना, जम्पोई टॉप, टॉप पे तो हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ आपको लज में जाना है। हाँ हाँ, जो ईडन लज। हाँ हाँ, मतलब आप कहाँ ठहरोगे यहाँ जाके? हम जम्पोई से आगे मिजोरम में निकल जाएंगे घूम के। तो रास्ता ही नहीं है यहाँ से, रास्ता बताया है, घूम के जाएगा वो। ये बहुत टफ है, खराब है, गाड़ी गाड़ी बहुत एक दू चलता है। अच्छा अच्छा, आप जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ दोगे? हम भांगमुन हम ब्लॉक तक जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी हम ये वाला जो सामने पहाड़ी है ये क्रॉस करके जाएंगे। हाँ ऊपर से जाएंगे। अभी रास्ते में कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है? आपको जाने में पता चलेगा, होते हैं तो हम लोग थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग क्लियर करके हटाएगा। और ऐसे लैंडस्लाइड होता है तो हाथों हाथ हटा देते हैं एक दो घंटे में? हाँ नहीं, एक दो घंटा भी नहीं लगता, हम लोग का फोन नंबर है, फोन करके बताने से। अच्छा अच्छा, सर्विस फास्ट है मतलब? हाँ सर्विस फास्ट है भाई। अभी लैंडस्लाइड का ही बात कर रहे थे और सामने की तरफ देखो
पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है, नहीं मिल गया। चलता रहता है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं इनके ऊपर ज़्यादा पत्थर वाला हाल नहीं है, मिट्टी मिट्टी मिलेगा, और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा पकड़ नहीं बनता मिट्टी का। जाने का ये दिल था, मतलब ऐसा बड़ा जगह है तो ना, ऐसे एंडी सैंड है, मुझे ऐसा जगह देखने में अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा एक बार बिल्कुल, ऐसे तो मतलब अच्छा लगेगा ना। आप ना फिर उधर पे जाना, राजस्थान का जैसलमेर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा वहाँ पे आपको पूरा यही मिलेगा। अच्छा अच्छा, मगर जाना सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में जाओगे तो त्रिपुरा का आदमी वहाँ पे मर जाएगा, इतना गर्म अभी 45-46 चल रहा है। भाई गाड़ी फंस गया अपना, छोटा है ना, क्या करे, फिर चल रहा है, स्किट कर रहा है, धक्का लगाना पड़ेगा। अगर एल्टो होता तो मेरे हिसाब से नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। तभी बोलते हैं भाई ओल्ड इज गोल्ड, चीज एक नंबर की, जिन लोगों ने संभाल के रखा है उनको पता है इस चीज का, तभी छोड़ते नहीं इसको। और दादा यहाँ पे गांव में लोगों का आमदनी का क्या सोर्स होता है? झूम कल्टीवेशन। झूम के अंदर क्या चावल करते हैं और उसके अलावा? चावल है, उसके बाद सब्जी, मतलब चिली मिर्ची, भुट्टा भी होता है, भुट्टा, अच्छा अच्छा, उसके बाद और फ्रूट्स भी होंगे ना, अनानास, सुपारी, सुपारी से, अच्छा। और झूम तो फिर मतलब ये हर साल जगह चेंज करते रहते होंगे ना? चेंज भी करता है और फसल को दूसरा फसल, फसल के बदल बदल के, क्योंकि हमने तो बुक्स में ये पढ़ा था कि झूम खेती में एक जगह पे एक साल से दो साल करते हैं, फिर जगह चेंज कर लेते हैं। चाचा बल्लू। हाँ हाँ, तो मारुति वाले दादा ने अपने को ड्रॉप कर दिया है त्रिपुरा के सबसे क्लीनेस्ट विलेज भांगमून के अंदर। दादा हॉस्पिटल कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? ओके थैंक यू। देख लो भाई क्लीनेस्ट, ऐसे नहीं बोलते, हर जगह पे डस्टबिन रखा हुआ मिलेगा। ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ से मेरे को यार कुछ टेबलेट्स वगैरह लेने, तबीयत काफ़ी ढीला चल रहा है, मैं कैसे संभाल रहा हूँ अपने आप को ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ कैमरे के ऊपर नहीं दिखा सकते ना यार। हेलो, पर्ची कहाँ से बनवाना पड़ेगा? काउंटर उधर। हेलो भाई, यार हॉस्पिटल देखो कितना साफ है यहाँ का, ऐसा तो मैंने अपने राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर भी नहीं देखा गवर्नमेंट वाला। तो हॉस्पिटल से तो मैं ट्रीटमेंट लेके आ चुका हूँ। हेलो सर, आपका ये जो टॉप है यहाँ का हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा, हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा बेतलेन से फुलबंग से, यहाँ से कितना दूर होगा? कितना 25 किलोमीटर। ओके, और ये आपका त्रिपुरा का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है? हाउ यू मैनेज दिस टू क्लीनेस्ट विलेज? मैनेज इन YMA एंड पब्लिक पीपल, पीपल आर अवेयर ना, आई सी एवरीवेयर इज डस्टबिन डस्टबिन एंड पीपल आर यूजिंग देम। सो यू आर ए ऑटो ड्राइवर? Yes, I am auto driver. You are very sexy. You look handsome with this hat. This is bamboo hat? Yes, bamboo hat. Can you see this? From this in our Mizo tribe. Okay, very beautiful. How much for this? When I am purchasing, price 700. 700, only. Okay. Now it is my 1,000. How many years ago you purchased this? Very years ago. Thank you, sir. Oh, thank you. You're very handsome. Handsome auto वाला त्रिपुरा। और अब अपने को जाना है त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक पे, जो पड़ता है जो हाईएस्ट पीक, उस गांव का क्या नाम है? फुदुंग से। फुदुंग से जा रहा है। उस साइड में, उस साइड में। ओके, हमें लिफ्ट मिल गया सर। गाड़ी मिला क्या? हाँ हाँ, थैंक यू ब्रदर। ओके, हाँ हाँ, हमने जाए वो लिफ्ट मांग, हमने जाए वो, ऐसे जाएगा? ऐसे नहीं जा सकते। आप कितना किलोमीटर तक जाएगा? फुलुंग से जाएगा। फुलुंग जाएगा, फुलुंग से ही हम जाएगा। करो फुलुंग से ही जाता हूं। हमने जेबो रहा ओए बोइबो तो टूटू तो नो टूटू तो ये मिला भैया लिफ्ट अपने को, यहां पे एडजस्ट होना पड़ेगा। अंदर में घुस जाएगा दादा। अच्छा यू फॉर द यूट्यूब चैनल और लाइक दैट। यस सर, थैंक यू सर।
त्रिपुरा का जो क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ से लेके जो त्रिपुरा का हाईएस्ट टॉप है वहाँ तक जाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, मैंने भैया से पूछा था। वैसे तो 1-1.5 घंटे में बाइक या गाड़ी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी का हाल कुछ बुरा है क्योंकि पूरी तरीके से इसमें ईंटें भरी हुई हैं, इधर सीमेंट पड़ा हुआ है, सरिया वरिया, और हम बैठे हैं अपनी छोटी सी जान बचाए एक कोने के अंदर। वैसे तो कुछ नहीं, अच्छा एडवेंचर इंजॉय हो रहा है, लेकिन जब गाड़ी गड्ढों में ऐसे ऐसे हिलता है ना तो जो ईंटें चौड़ी हो जाती हैं और इसके बीच में हमारा तो बड़ा दर्द होता है। तो भाई पहुंच चुके हैं आखिरकार 2 घंटे के बाद उस गांव में। हेलो, माहौल बड़ा खुशनुमा यार गांव का, रिप्लाई तो नहीं करते लोग लेकिन चलता है। सभी इंजॉय कर रहे हैं, उस तरह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सामने गांव वाले बैठे हैं। इस गांव का नाम क्या है? फुलदुंग सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। फुलदुंग सी, फुलदुंग सी विलेज। घर किधर पड़ता है? घर राजस्थान। राजस्थान? हाँ हाँ। किधर जाएगा अभी? अभी टॉप पे जाएगा, टॉप पे। What is this? Your brother? Una upa? Enge? Unu una? Eh? Eh, हमारा मिजो डिक्शनरी। Enga thingi? My mijo. Ami aja sir, hey, Indo, hey, Anu bhi hai nero. गांव में आते ये भाई साहब मिल गए मेरे को। ओके थैंक यू। या थैंक यू कैसे बोलते आप मिजो में? कालो में। इन दम माओ? ओ इन दम मैम। हां इन दम मैम। दम दम। इन दम मैम। ये ऊपर जाने का जो टॉप होता है यहां से कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ओनली 1.5 किलोमीटर? नहीं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, ओके। ये सही है ना? आप ज्यादा कोई बने? ओके 1 किलोमीटर। थोड़ा सा हाइट पे आते यार त्रिपुरा के अंदर भी बादल ऐसे फोग की तरह दिखने लगे। तो टॉप पे जाने से पहले यार भूख बड़ा तगड़ा लगा है, कुछ खाने पीने का कर लेते हैं। हेलो, खाना नहीं ढूंढ रहे हो कहीं? चिबाई चिबाई, यहां से चिबाई दे, चिबाई दे, हे हे बंगला चलते चिबाई दे। ब्रेड होता? ब्रेड होता, बिस्किट काला में। ई डम माओ आप लोग यहाँ पे गांव में सभी मिजो होता? मिजो रियांग बंगाल सब है। ओके मिजो रियांग बंगाल भी है। हैंडशेक प्लीज, प्लीज हैंडशेक। तो अब निकलते हैं भाई टॉप की तरफ। ओए तुंगे हेमिंग वन 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 ओनली वन। ये हाथ कितना गंदा होता, डायरेक्ट मुंह में ले लेता। तुंगे ही हमिंग। हाँ हाँ तुंगे ही हमिंग कका। वाय ठीक है, ये पूरा नहीं दे सकता, हमको भी भूख लगा है। ठीक है बाय बाय। चिप्लाई बोला थोड़ा सा हेलो, रिप्लाई किया मेरे को। और अभी हम जिस जगह पे पहुंचे यहाँ पे भाई फोक का हाल कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे फीलिंग बताऊँ कैसा आ रहा है, सेम चेरापूंजी जैसा। अब हर जगह है ना, जितना भी मैं घूमता हूँ उसको लगभग कंपेयर कर सकता हूँ, मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ इंडिया के अंदर। चिपलाई टॉप टॉप ये रास्ता जाता? हाँ। कितना दूर होता? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और बचा यार। वैसे आज इतने थके नहीं हैं हम, क्यों ज़्यादा चले नहीं, हर जगह लिफ्ट मिल गया, लिफ्ट मिल गया, लिफ्ट मिल गया। ओह आर्मी भी यहाँ पे। जैन साहब कहाँ से आप लोग? हम राजस्थान से। इधर कहाँ जा रहे हैं? अभी टॉप पे जा रहे हैं। आप यहाँ पे ड्यूटी किस लिए होता? यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर लगता है आसपास कहीं पे? त्रिपुरा से बिहार का अगरतला से। सर अगरतला से बांग्लादेश बॉर्डर तक दूर है। दूर है, अच्छा। आपका कैंप कहाँ पे होता? कैंप इस साइड में, इधर इधर भी है। वहाँ पे रात को टेंट लगाने का जगह मिल सकता है? बुंडुंग साइड में है, साबवाल में है। ओके ओके यार, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैसे मेरे को पहले त्रिपुरा का जो प्लेन्स अगरतला वाला इलाका देख के बिल्कुल नहीं लगा था यार कि
ऐसा कोई जगह भी मिलेगा त्रिपुरा में, लेकिन ढूंढने पे हर जगह पे सब चीज़ मिल जाता है यार। इस जगह को देख के बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस वाले फील आ रहा है। सुनसान है कोई, तो टॉप आ गया बता रहे हैं भाई, पीछे लिखा है ओनली 10 meters अवे। अच्छा जो ऊपर बना है ये वाला टॉप होता, अल्ले यहाँ से क्या दिखता। ये पहुंच गया भाई टॉप के ऊपर, यहाँ से दिखता है पूरे त्रिपुरा का मस्त वाला नजारा। हमें पता था इतने फोग के अंदर कुछ नहीं दिखने वाला, बस जीत के चक्कर में आ गए थे, लेकिन जो भी है ऐसा मौसम मिलेगा। सेम मेघालय जैसा है वेदर भी, मेघालय जैसा है। 2 मिनट बारिश बंद होगा, 2 मिनट चलेगा, वही चल रहा है। और यहाँ पे अंदर की तरफ बनाया हुआ है इन लोगों ने एक कमरा बारिश वगैरह आ जाए उससे बचने के लिए, लेकिन यहाँ पे हवा इतना तेज चलता है टिन वगैरह उड़ गया इन लोगों का। नीचे की तरफ त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज बना हुआ है और कुछ फर्जी टूरिस्ट आके ऐसा काम करते हैं यार, ये काम सही नहीं लगता। बाकी कुछ भी करो, एंजॉय करो, बियर प्योर होगा किसने, लेकिन फोड़ो तो मत यार, नो वर्ड्स। यहाँ से आगे इस तरफ त्रिपुरा है या मिजोरम है? ये जो लाइन दिख रहा है ना, कहाँ पे? ये लाइन मतलब ये जो एरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद और एक पहाड़ है छोटा मोटा, उसके बाद जो पहाड़ आएगा वो मिजोरम का पहाड़। मिजोरम का। तो हाईएस्ट टॉप ऑफ त्रिपुरा तो हम लोगों ने देख लिया। और यार यहाँ पे विंटर्स में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई जो सुदीप है वो यहाँ पे आया है 2 दिन बाद पहले, तो वो बता रहा था ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे लोग आते हैं विंटर्स के अंदर, पार्टी करते हैं, कैंपिंग करते हैं, बोनफायर करते हैं, तो काफी मस्त वाला मजा आता होगा ना। लेकिन अभी इस मानसून के सीजन में तो बारिश बारिश बारिश, ना बोनफायर हो सकता, ना कुकिंग हो सकता, सिर्फ कैंपिंग ही हो सकता है, और उसके अंदर भी दुबक के बैठे रहो बस। और सामने की तरफ कुछ बना हुआ है, शायद सेट जैसा कुछ बना रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ माय आईज विल बी ओपन एंड माय ईयर्स अटेंटिव टू प्रेयर मेड इन दिस प्लेस जीसस। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे भी काफ़ी हैं। ओ ये क्या रखा है, बाइबल बॉक्स, बाइबल होगा इसमें देखता है। हाँ बाइबल रखा है इसमें। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? कोक बोरोक। बोरोक कहाँ का लैंग्वेज है? कोक बोरोक ये त्रिपुरा का लैंग्वेज है जो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, ट्राइबल्स यूज करते हैं। ओके तो वापस रख देते हैं इनको अंदर। और यहाँ पे आगे की तरफ कुछ बन रहा है शायद, ये भी मेरे हिसाब से वो शेड जैसा बनेगा ऊपर, टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं उनके आराम करने के लिए, बारिश में छत छुपाने के लिए। अगली बार आऊँगा सर्दियों में तब ये बना हुआ रेडी मिलेगा, तब इसके नीचे आके बोनफायर लगाएंगे, कैंपिंग करेंगे। यार ऐसे काम त्रिपुरा गवर्नमेंट ना बहुत अच्छे कर रही है, हर जगह पे आपको गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस मिलेंगे, आईबी मिलेंगे, मतलब टूरिस्ट का बहुत ख्याल रख रही है सही में। मगर टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब ऐसी जो जगह यहाँ पे टूरिज्म को लेके और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर उनको अच्छे से देखा जाए तो। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है उस वजह से, मतलब इतने ज़्यादा लोग आना प्रेफर नहीं करते, मेरे जैसे लोग जो मतलब यूट्यूब पे ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे अगर आया भी तो एक दिन आके वापस निकलना पड़ेगा दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ पे वीडियो एडिट करके अपलोड तो कर नहीं सकता मैं। अगर नेटवर्क आ जाए ना, नेटवर्क का थोड़ा सा काम और अच्छा हो जाए तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ, परफेक्ट प्लेस फॉर हॉलीडेज। 5 से 7 दिन भी रुक सकता हूँ फिर मैं यहाँ पे, चिल कर सकता हूँ आराम से, वहाँ पे बैठ के बाइबल पढ़ सकता हूँ मैं। ये फिर से मिल गया, क्या बोलते हैं इसको, शंख। तुम लोग बंगाली में क्या बोलता? शामुक। शामुक इसको खाता? हम लोग नहीं खाते, ट्रैवल में लोग ट्रैवल लोग खाते हैं ना। मैंने देखा एक बंदा खेत में ऐसे इकट्ठे कर रहे थे, बाल्टी में डाल रखे थे काफी। वो लोग सोचते हैं ऐसे खाने से जो आईसाइट है ना, आंखों की पावर बढ़ जाती है। अच्छा मेरी मम्मी तो बोलती है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से बढ़ता है। जैसे जिसके खाना उसके ऐसे ही मतलब क्या लॉजिक। तो अब चलते हैं वापस गांव की तरफ, और अपना मिजोरम जाने वाला प्लान तो आज कामयाब नहीं हुआ यार, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, ऊपर से टाइम भी लगभग 5 के हो गए। तो अभी गांव में जाते हैं, वहां पे कोई टेंट लगाने या जुगाड़ करते हैं, और भूख बड़ा तगड़ा लगा यार आज, कुकिंग हम खुद ही करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जाते टाइम अपना बैग वैग रख दिया था क्योंकि बारिश आ रहा था। अरे बाबू कैसा हो? बढ़िया बढ़िया। बैग लेके जा रहा है हम लोग। यहाँ पे अंडा कहाँ पे मिलता है? अंडा मार्केट में नीचे। ओके ब्रदर थैंक यू। तो अभी जा रहे हैं हम लोग गांव के हेडमैन के घर पे। हेडमैन होम हेडमैन हेड हेड दैट्स हेड दैट्स दैट बिल्डिंग
फ्रॉम दिस वे फ्रॉम दिस वे ओके थैंक यू. मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे मेघालय वाला सीन लग रहा है मेरे को. सिस्टम भी वैसा ही भाई मेघालय वाला. हेडमैन से पूछना पड़ता है आपको हर चीज़. ये ब्लू वाला घर ये बताया होगा ना. हेलो सर हेडमैन. हेडमैन मैं हूँ. ओके हम तो मिल चुका पहले भी. हेलो हमें कोई टेंट लगाने के लिए जगह दिखाओगे आप. टेंट कहाँ लगाएगा बरसात का टाइम. टेंट लगे तो इम्प्रूव नहीं होगा. तो कोई शेड वाला जगह दे सकते हो. नहीं तो उधर कैंप में जाओ. कैंप इसमें ग्राउंड है. अच्छा ओके थैंक यू सर. थैंक यू. उसे परमिशन दबाओ. 4949 4949 हाँ. तो अभी यार ये भाई साहब नंबर ले रहे थे कि अगर गांव में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना. मगर मेरा फोन ही नहीं मिल रहा. शायद तक मैं ऊपर गया था वहीं पे भूल आया कहीं पे. कहाँ गया था वो. टॉप के ऊपर गया था. टॉप के ऊपर जा रहा है रिंग. आउट ऑफ नेटवर्क. तो पहले हम लोग बैग अपने दुकान पे रख देते हैं उसके बाद में ऊपर जाएंगे. मिल जाएगा यार मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है. मेरी चीजें हमेशा मिल जाती हैं कभी गुम नहीं होती. ला 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 ला. मैं उधर अपना फोन भूल आया उस टॉप के ऊपर. भाई रेडी हो गया भाई चलने को. हाँ अपना क्या नाम ब्रदर. सरिया भा. सरिया भा. मोलसोई. मोलसोई या मोलसोई किस में आता है ये. Not Mizo, yeah, it's like title na. Title. Yeah, Riang, bro. Riang. Yeah, yeah. Riang, आप लोगों का भाषा कौन सा होता है, bro? Yeah, bro. Bro. Yeah. जो ऊपर जो Bible रखा है वहाँ पे, ये Mizo है. Mizo का? Yeah, it's Mizo. भाई वापस जाना पड़ रहा है top of the Tripura. यहीं पे होना चाहिए. मिल जाएगा. All is well. कुछ नहीं होगा. हाँ. Let me check. Oh, you are so lucky, man. Yeah. Every time I am lucky, I found everything yeah, I yeah. lost. तो रात का टाइम हो रहा है अभी 8:30 और हम लोगों ने टेंट लगा लिया है. सेम वैसी जगह पे जिस जगह पे हम गए थे ना वो टॉप देखने के लिए. वैसा एक व्यू पॉइंट जैसा टावर जैसा बना हुआ है उसके ऊपर लगाया जिसकी वजह से हवा इतना गंदा तरीके से चल रहा है. टेंट हिल रहा है पूरा अपना. अभी चल रहा है वैसे अपना खाना बनाने की तैयारी. खाने में आज होने वाला है अंडा. क्या बनेगा. ऑमलेट. लेकिन अभी मैंने अपना जो कुकिंग वाला किट था वो खोल के देखा. ऑयल नहीं है हमारे पास. बिना ऑयल के जलेगा थोड़ा बहुत लेकिन चलेगा. आग जलेगा. शकलाका बूम बूम बूम. ये ऑमलेट तो नहीं बनेगा लेकिन भुज्जी जैसा बनेगा वो भी चलेगा. चार दिन